प्रेज द लॉर्ड। सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर की, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर विश्वसनीय है, हमेशा हमारे संग रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। तो आओ हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना शुरू करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, आप अच्छे हो, महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो। आप सर्वशक्तिमान शक्तिशाली पिता परमेश्वर हो, हम सबको यीशु के लहू से कवर करते हो और हमें आपके चरणों में आने के लिए सौभाग्य देते हो, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, आज उपास प्रार्थना है प्रभु। हम सब उपास प्रार्थना में इकट्ठा हुए हैं प्रभु, हम सब अपने अपने घरों में इकट्ठा हुए। मेरे राजा, जल्दी से जल्दी चर्च चालू हो जाने के लिए सहायता करो। जल्दी से जल्दी प्रभु चर्च चालू होने के लिए मदद करो। चर्च चालू हो जाएगा तो प्रभु मेरे राजा, फिर हमें ऐसा ही ऑनलाइन जाने की और प्रभु इतनी समस्याओं से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु पवित्र पिता दया करो, हमारे देश में से कोरोना वायरस को दूर करो। हमारे देश में से प्रभु मेरे राजा उद्धार देने वाले पवित्र पिता, हमारे देश में से पूरी रीति से कोरोना वायरस दूर होने के लिए सहायता करो। और मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, हमारे देश को मुक्त करो इस बीमारी से, ताकि प्रभु हम ख्रिस्ती मसीह लोग प्रभु पवित्र पिता आपके चरणों में दिल से स्तुति और आराधना कर सके, आपके पवित्र भवन में इकट्ठा हो सकते। प्रभु पवित्र पिता, आपके पवित्र भवन में हमें रोके रखने वाली वस्तु को दूर कर सकते हो, इसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। जब इसराइली आपके चरणों में नहीं आ पा रहे थे, कनान देश में पहुंचाने के लिए आपने ही प्रभु पवित्र पिता जो रुकावट थी उन रुकावटों को दूर किया और प्रभु आपने इसराइलियों को अपने पास ले लिया। तो वैसे ही मेरे मान पवित्र पिता, हमें भी आपके चरणों में आना है, आपके चुने हुए जगह में इकट्ठा होना है, इसलिए जो भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करो। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। सब कुछ आपके हाथ में दिए, आगे का समय आपके हाथ में दिए। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, हम सब पर करुणा करना, हम सब पर दया करना, ये मेरी विनती, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा पिता, धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में दिए, आगे का पूरा समय आपके हाथ में दिए। सब में आप बढ़े और हम घटे, प्रभु सब में आपके नाम की महिमा, यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना करते, आमीन। आओ हम सब लोग परमेश्वर के आत्मा को इस स्थान पर बुलाएंगे। परमेश्वर का आत्मा महान है, दयालु है, कृपालु है, तो आओ हम परमेश्वर के आत्मा को इस स्थान पर बुलाएंगे। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, हमको मिला दो यीशु से, हमको कुछ के
हमारे सारे अधर्मों को, पापों को, मैले कुचले वस्त्रों को दूर कर देना। प्रभु आप कितने अच्छे और भले प्रभु हो। प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। आपने बड़ी ही दया और करुणा हम पर की, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सबको यीशु के लहू से कवर करती हूँ। मेरे राजा, मेरे मान पवित्र पिता, हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमारे सारे पापों को क्षमा कर। प्रभु तू ही हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। आज हम कबूल करते कि हमने आपको बहुत दुखाया, हमने पवित्र आत्मा को दुखाया है। हम अपनी मर्जी से चले, हमें जो अच्छा लगता है वही हम करते। हम सबको क्षमा कर, हम सबको क्षमा कर, हम सब पापी प्रभु हमें माफ कर, दया रखना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। मेरे राजा, यीशु के लहू से हमें धो डालो और हमें शुद्ध और पवित्र करना। हम कभी नरक जाने नहीं देना, हमें स्वर्ग में ही लेना पवित्र आत्मा। इस रीति से हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मदद करो प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा से हमें भर दो पवित्र आत्मा। ये हमारी विनती है पवित्र आत्मा। हम पर अनुग्रह करो, हम पर अनुग्रह करो, हम पर अनुग्रह करो। ये हमारी प्रार्थना है। सब कुछ आपके हाथ में दिया, आगे का समय आपके हाथ में दिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। प्रार्थना में डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को, नींद देने वाली आत्मा को, मनों को भटकाने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से डांट कर, बांध कर, उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते। पवित्र आत्मा को रिलीज करते। सब में आप बढ़े और हम घटे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आओ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हमारे जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, ईश्वर की महिमा आ जाए प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आ जाए प्रकट हो जाए हमारे भी, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, बोलो आत्मा के आनंद
आत्मा के आनंद से भर दो पवित्र आत्मा, हमें आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते, धन्यवाद। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अनिकाल समान उतर सब कुछ है पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते, धन्यवाद। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की, स्तुति गाए हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की, स्तुति गाए धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की, स्तुति गाए हालेलुया, स्तुति गाए लाए मेरा एक जो चाहे मेरे लिए पर्याप्त है।
तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू, तू त्या योग्य आहे प्रभू, धन्यवाद देतो प्रभू। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर,
की आराधना करेंगे। वो महान परमेश्वर जो राजाओं का राजा पवित्र परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करेंगे। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत
यीशु नाम की जय। आपने हमें यीशु नाम दिया है, वो नाम जो पवित्र नाम है, जिस नाम में हर घुटना टिकता है, हर जबान अंगीकार करती है यीशु प्रभु है, ऐसा आपने हमें नाम दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं। यीशु मेरे स्वामी, मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन, मेरे प्रभु तू है महान।
प्रभु तू महान है, दयालु है, प्रभु के जैसा कोई भी नहीं है, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। धन्यवाद। खुदावन हसीब बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोग आज नया गीत गाओ। खुदावन अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोग आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की कुछ कदरी दो। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की कुछ कदरी दो, उसकी नजात की कुछ कदरी दो। खुदावन अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोग आज नया गीत गाओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का, दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयान उसके गीत गाओ, करो बयान उसके गीत गाओ, सबसे अधिक सब सबसे बड़ा जिसने आसमां बनाया उसके हुजूर आओ। आओ सारे दुनिया के लोग आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की कुछ खबरी दो। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की कुछ खबरी दो, उसकी नजात की कुछ खबरी दो। खुदावन अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोग आज नया गीत गाओ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, सुनता कुर्बानी लाए यहाँ, सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ, खुश आसमां जमीन गीत गाए, खुश आसमां जमीन गीत गाए, जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आज आ रहा है वो, आज तुम जरूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोग आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की कुछ खबरी दो। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की कुछ खबरी दो, उसकी नजात की कुछ खबरी दो। खुदावन अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ, आओ सारे दुनिया के लोग आज
लिए जीते हैं प्रभु, धन्यवाद। आहे कुणाला खात्री उद्याची, उद्या काय होणार कळणार नाही, संदीची रोज येणार नाही। आहे कुणाला खात्री उद्याची, जरीला जवळ येतो प्रभू, तुझ्या चरणाजवळ येतो प्रभू, कारण प्रभू तुझ्यापासून लांब गेल्या काय माहिती कधी आम्ही मरू, दूर गेलो तर नरकात गेलो तर। म्हणून प्रभू माझ्या तानाऱ्या गोड पवित्र पिता, आम्ही तुझ्यापासून लांब नाही, आम्हाला तुझ्या जवळच राहायचं आहे। हा प्रभू खूप जवळ प्यारे पिता, जब तक हम आपके पास है हम सुरक्षित है, लेकिन अगर हम आपसे दूर हो गए तो हम नाश हो जाएंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ ये।
गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती Yeshua, 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 Yeshua. हाँ पवित्र पिता, हम हमेशा आप में बने रहे, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ, हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। हमें उपास प्रार्थना में इकट्ठा किए इसलिए धन्यवाद देती हूँ। जो परिस्थिति है सब परिस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जो भी करते हो अच्छा करते हो, ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज भी जिस परिस्थिति में हम हैं वो सारी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप हमेशा हमें बचाते हो, पाप से बुराई से दुष्टाई से दूर रखते हो, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सबको यीशु के लहू से कवर करती हूँ। सियोन सियोन वासी, हम सियोन वासी के लोग, हम सब आपके छेदे हुए हाथों में जहाँ सुरक्षित है। आपने हमें आंखों की पुतली के समान संभाल रखा है प्रभु, और अब्बा आपके नेत्र हमेशा हम पर लगे हुए हैं। आपका धर्ममय दाहिना हाथ आपने हमारे ऊपर रखा है, और प्रभु आप हमारे आने जाने में अब से लेके सदा तक रक्षा करते हो। मैं धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी ढाल, आप हमारा कवच हो। आप कितने अच्छे और भले प्रभु हो प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आज मेरी इस उपास प्रार्थना में सबसे पहले ये प्रार्थना है प्रभु, प्रभु सियोन सियोन वासी और हम सबकी हमेशा रक्षा करना। हमें कभी भी भरमाने वाले के हाथ में कभी गिरने नहीं देना, और ना ही कभी हम फंसने देना प्रभु। पवित्र पिता, ये मेरी खास विनती मेरी प्रार्थना है प्रभु। आज ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आपको स्वीकार किया, बाद में प्रभु वो पीछे हट गए या पाप में फंसकर प्रभु पवित्र पिता अधलोक में उतर गए हैं। आज वो कितने सालों से प्रभु नरक की आग में जल रहे हैं, तड़प रहे, वहाँ वो पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर, ऐसे गिड़गिड़ा रहे, लेकिन अब उनको वहाँ से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए क्योंकि पश्चाताप सिर्फ पृथ्वी पर ही किया जाता है, मन फिराना पृथ्वी पर ही किया जाता है, मरने के बाद नरक में नहीं। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता, आज उस आग की ज्वाला में जो तड़प रहे हैं, उन कीड़ों की चादरों से लपटे हुए, जंजीरों में बंधे हुए प्रभु, पीड़ाओं में तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनमें हम न हो, यही मेरी प्रार्थना है। कोई हमें भरमाने में नहीं लाए, हमें बुद्धि देना, हमेशा हमारे हृदयों में आपके लिए प्यार रखना। हम कभी भी पाप से प्यार नहीं करें। बाइबल में लिखा है, पहला करंथियों, पहले यहूदा की पत्री में लिखा है, तुम पाप मत करो, तुम्हारे पास सहायक है धर्मी प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु कोई पाप हमें फंसाए नहीं, और प्रभु यीशु धर्मी से हमें दूर न करे। इसीलिए हम पाप नहीं करें, इसलिए हम पहले ही प्रेयर करेंगे तो अच्छा है ना। क्योंकि अभी हमने वचन क्या पढ़ा कि हमारे पास एक ऐसा सहायक है अर्थात यीशु मसीह, धर्मी यीशु मसीह, वहाँ धर्मी ये शब्द दिया है जो हमें इस पाप से बचा सकता है। तो मेरी ये विनती है प्रभु, भरमाने वाले से बचाना, जो फंसाने वाले से बचाना, भेड़ों के रूप में आकर, मेमनों के रूप में आकर चोरी चालाकी करते ऐसे लोगों से बचाना, दूर रखना पाप से जो हमारे नसों नसों में बसा हुआ है, या अभी भी हमारे अंदर कोई गुप्त पाप है उससे हमें बचाना। तू हमारा सहायक है ना धर्मी यीशु प्रभु, तो प्रभु हम नरक में नहीं जाए, इसलिए ये हमारी खास विनती है प्रभु। दया रखना प्रभु, पवित्र पिता
मरने के बाद हम ही अपने आप को धोखा दिया ये हमें मालूम पड़ेगा तो बाप रे कितनी बड़ी ये हो जाएगी। इसलिए आज ही समय है तो हमें मन फिराने के लिए मदद कर, मन चेंज करने के लिए सहायता कर, परिवर्तन वाला जीवन जीने के लिए सहायता कर, शुद्ध और पवित्र निर्दोष निष्कलंक ऐसा जीवन जीने के लिए मदद कर, सहन शक्ति दे, एक दूसरे को क्षमा का दिल दे प्रभु, पवित्र पिता आदीनता का हृदय दे प्रभु, पवित्र पिता आपको बहुत प्यार करने वाला हृदय दे, प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के लिए मदद कर, रोज प्रार्थना का जीवन होने देना, बिना प्रार्थना के आज कितने मसीह लोग जी रहे, कैसे जी रहे, कैसे रह सकते हैं, मेरे को तो वही समझ में नहीं आता है, भरमाने वाले ने उनको कैसे भरमा दिया है, कामों में इतना व्यस्त कर दिया है कि आज उनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं। प्रभु पवित्र पिता बिना प्रार्थना के कैसे श्वास ले सकते हैं, प्रभु प्रभु आपके साथ जी बैठने नहीं तो आगे जी कैसे चल सकते हैं, प्रभु वो व्यक्ति तो मरा हुआ है जो प्रार्थना नहीं करता, वो मसीह नहीं है, वो मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह लोग बिना प्रार्थना के रह ही नहीं सकते। प्रभु मसीह लोग प्रार्थना किए बिना, बाइबल पढ़े बिना, स्तुति आराधना किए बिना जी नहीं सकते प्रभु, रह ही नहीं सकते उनके, वो उनको वैसा हो ही नहीं। जो लोग नहीं करते इसका मतलब है उनको परमेश्वर का प्रकाश नहीं मिलता या सत्य बात नहीं जानते, यीशु के पास नहीं आते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अविश्वासियों से भी बुरी हालत उनकी हो जाती है जो अब मसीह को जानकर नरक जाते हैं, उनको बड़ी शिक्षा है क्योंकि जानबूझ के उन्होंने सब कुछ किया। इसलिए प्रभु जो मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते आज मैं उनके लिए मध्यस्थी करती हूँ, उनके अंदर प्रार्थना का जीवन दे, सुबह उठकर बेड पे प्रेयर करने के लिए मदद कर प्रभु, मुंह धोकर फिर आपके चरणों में बैठने वाला हृदय दे, हाथों को उठाने वाला प्रभु, आपके चरणों में हाथ फैलाने वाला जीवन दे प्रभु, बाइबल लेकर बैठने वाला व्यक्ति होने के लिए मदद कर, स्तुति आराधना ताली बजाकर करने वाला हर एक जन होने के लिए सहायता कर। मेरी ये विनती है प्रभु, आपका वचन है ना हमारे पास धर्मी सहायक है, धर्मी प्रभु यीशु, तो आज मैं हमारे सहायक धर्मी प्रभु यीशु से विनती करती हूँ प्रभु, सियोन चर्च में हम सब जितने हैं प्रभु, वो सभी लोग मतलब अभी का नहीं, जितने हैं प्रभु तेरी भेड़, जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनको प्रार्थना का दिल दे, आपको बहुत प्यार करने वाला दिल दे, ज़्यादा प्रार्थना करने वाला, स्तुति आराधना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है। खुद को धोखा नहीं दे, मैं ये क्रिश्चियन हूँ मैं तो स्वर्ग ही जाऊँगा, मैंने यीशु को ग्रहण किया है मैं स्वर्ग ही जाऊँगा, ऐसा खुद को धोखा नहीं देने देना, जैसा वो विश्वास करता है वैसे ही वो काम भी करने के लिए मदद करना, ये मेरी खास विनती है प्रभु। सभियों को आशीषित करना, सबके मनोरथों को पूरा करना, सबके कौटुंबिक जीवन में शांति देना प्रभु, दया रखना हम सबको अंत तक विश्वसनीय रखना प्रभु, दया रखो प्रभु, जितने बीमार हैं उनको तू चंगाई देना, आपके घाव से वो लोग चंगे हो गए, आपके लहू बहाने से लोग चंगे हो गए, ये डिक्लेयर करते। हमारे देश में भी प्रभु जो महामारी फैल गई है प्रभु, उसमें से लोगों को क्षमा कर, हमारे देश को क्षमा कर और हमारे देश को भी चंगा कर और लोगों को भी चंगा कर प्रभु, और प्रभु ये लॉकडाउन खुल जाने के लिए मदद कर प्रभु, जो घरों में प्रभु पवित्र पिता दारू पीकर लोग तमाशा कर रहे, अपनी पत्नी को मार रहे, बच्चों को मार रहे, वो सारे व्यसन करने वाली आत्मा को और उन पुरुषों को व्यसन करा के घर में तमाशा कराने वाली लो मसीह लोगों को सताव कराने वाली अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से निकल जा, यीशु नासरी के नाम से निकल जा, और पवित्र आत्मा को रिलीज करते। सब में आप बड़े और हम घटे, सब में आपका नाम ऊंचा हो यही मेरी प्रार्थना है, सब में आपके नाम की महिमा हो यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। दया रखना, सबके घर में शांति देना प्रभु, सबके बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होने देना, तेरा वचन कहता है ना तेरे बच्चे तो यहोवा के सिखलाए हुए हो गए, तो प्रभु पवित्र पिता हम सब जितने जनों को बच्चे हैं वो सबके बच्चे प्रभु यहोवा के सिखलाए हुए होने के लिए मदद करना, उनके बच्चों से उन्हें सुख और शांति मिलने के लिए मदद करना प्रभु, दुख और दर्द नहीं मिलने देना प्रभु। सारे बच्चे अपने जवानी के दिनों में अपने लड़कहान के जवानी के अपने लड़कहार और प्रभु लड़कपन में और जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखने के लिए आज्ञा पालन और आधीनता का जीवन जीने के लिए मदद करना, ये उनका बोने का समय है, इसलिए वो जो बोएंगे वही आगे पाएंगे। इसलिए यहोवा का भय मानते हुए, माता पिता का भय मानते हुए, आपको प्यार करने के लिए, बड़ों को आदर देने के लिए मदद करना प्रभु, रक्षा करना, सुधी लेना, मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता अनुग्रह करना, सबके घर में शांति देना प्रभु, मेरे राजा मेरे मान पवित्र पिता सबके मनोरथों को पूरा करना, सबके कौटुंबिक जीवन में शांति देना, आपके बच्चे आपसे जो भी मांगते उनको दे देना प्रभु,
सबके घर में शांति देना, सबका खत्ता भरे रखना, सबका उत्पन्न में तू बढ़ोतरी करना, सबको जो जो चाहिए वो तू दे देना प्रभु, किसी भी चीज़ की कमी और घटी होने नहीं देना प्रभु। ये मेरी विनती, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, अनुग्रह करना, आशीष देना प्रभु। आगे का पूरा समय आपके हाथ में दिया, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद परमिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। कुटुंब मिलकर आपके सामने में आता हूँ प्रभु, प्रभु हमारा हम वो हमारा स्तुति रहना प्रभु यीशु, हम सबको बुद्धि दियो, ज्ञान दियो, हम सबको बुद्धि दियो यीशु मसीह, हमको आरोग्य दियो प्रभु, हमको प्रभु प्रभु मन में हमेशा शांति दियो, हमको प्रभु गृह में प्यार उत्पन्न करो, सबको प्यार करने के लिए हमारे गृह में प्यार करो यीशु, आप हमको प्यार करता है, हम भी आपको प्यार करता है प्रभु, हम किसको प्यार करें, हम हमारा जिंदगी में हम मनुष्य को प्यार करता है, लेकिन इसमें प्रथम स्थान हमारा यीशु को प्यार करता है, हमारा परमेश्वर को प्यार करता है, हमारा यीशु हमारा सब कुछ है, हमारा निशान हमारा खजाना यीशु है, हम यीशु में देखते हैं, हमारा सहाय पर्वत से आता है, हमारा सहाय पर्वत से आता है, हमारा हमारा सहाय बहुत से आता है वो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हम हमेशा हमारा आँख ऊपर में ऊपर देखता है यीशु मसीह, आप हमको सहाय देता है, आप हमको संभालता है, आप हमको जीवन देता है, आप हमको रोज संभालता है, दुष्ट छूने के लिए नहीं रहता है, आपका डेने हाथ में सुरक्षित में रहता है, से धन्यवाद करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ। आपका सारा बेड़ को शिव कर में आपका कितना बेड़ है, सारा बेड़ को रक्षा करना प्रभु यीशु, सारा बेड़ को आरोग्य में रखना प्रभु, सबका काम धंधा में आशीष करो प्रभु यीशु, सारा बेड़ को धन से आशीष करो प्रभु यीशु, आपका सारा बेड़ भजन पढ़ने के लिए सहायता करो, आपका सारा बेड़ कुटुंबीय प्रार्थना करने के लिए सहायता करो, यीशु को बहुत बहुत प्यार करने के लिए सहायता करो, बाय संसार में कोई समझौता जीवन नहीं जीने के लिए सहायता करना प्रभु यीशु, सहायता करना, दया करो परमेश्वर, दया करो अपा, दया करो अपा, दया करो प्रभु, रक्षा करता है हम सबको, रक्षा करता है, धन्यवाद करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, भारत देश युवादों के सारा देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, अब आए कोरोना महामारी से सारा देश को प्रभु चंगाई दियो प्रभु यीशु, सारा देश को स्वतंत्र दियो, अपा मानव जाति को स्वतंत्र करो, मानव जाति को चंगाई दियो, अपा ये महामारी बंद करके दियो प्रभु यीशु, अपा दया करो यीशु, दया करो, ये महामारी फैलने के लिए नहीं दियो प्रभु यीशु, ये बंद करके दियो, सारा हॉस्पिटल खाली करके दियो प्रभु यीशु, सारा हॉस्पिटल खाली करके दियो, अपा लाखों लाखों लोग हॉस्पिटल में है, वो लोग सबको चंगाई दियो प्रभु यीशु, चंगाई दियो, दया करो परमेश्वर, दया करो प्रभु, हम हमारा अब्बा के साथ हम प्रार्थना कर सकता है, हम याचना कर सकता है, हम फिर किसको साथ प्रार्थना करूं, जीवित परमेश्वर हमको सृष्टि किया, हमारा परमेश्वर हमारा अब्बा के साथ चरणों में हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दया करो अपा, दया करो, ये महामारी को बंद करके दियो प्रभु यीशु, ये महामारी को बंद करके दियो अपा प्रभु, सारा करीसिया खोल के दियो प्रभु यीशु, सारा करीसिया खोल के दियो, हम सबको आपका भवन में आराधन करने के लिए सारा करीसिया खोल के दियो प्रभु यीशु, सारा करीसिया खोल के दियो, हमको आपका भवन में आराधन करना है प्रभु यीशु, अपा दया करो, ये भारत देश में कितना करीसिया है, सारा करीसिया खोल के दियो, सेवाएं शुरू होने के लिए सहायता करो अपा, दया करो परमेश्वर, दया करो, शिवों को रक्षा करता है, हम सबको रक्षा करता है, धन्यवाद करता है प्रभु, अब आइए संसार में जो कुछ महामारी चल रही है उसमें से कोई असर प्रभु हमें आपका बेड में जाति जाति रोग में स्पष्ट नहीं होने के लिए सहायता करना,
ये महामारी पर पूर्ण रीति से बंद करके दियो प्रभु यीशु, ये शून्य करके दियो प्रभु यीशु, ये महामारी शून्य करके दियो। दया करो परमेश्वर, दया करो, हम सबको आपका दैनिक हाथ में सुरक्षित में रखता है सिंहवान करता है। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको रहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मैं पिता ईश्वर के नाम से धन्यवाद मुझे दिन का ऐसे धन्यवाद अपने में प्रार्थना करता हूँ प्रभु को छूना इस में धन्यवाद लाया इस में धन्यवाद हमको आशीषित करो जीवन का आशीषित करो सिंह में जितने लोग आते हैं उन सबको आशीषित करो किसको भी खाली जाने मन देना अपने हम पापी के ऊपर दया किया कृपा किया इस में धन्यवाद हमको छूना इस में धन्यवाद आपके राज में स्थिर रखो आगे समझेंगे इस में धन्यवाद प्रभु में प्रार्थना करता हूँ आपको आशीषित करो हमारा पापा को बूढ़े दो हमेशा हम सबको आशीषित करना प्रभु में प्रार्थना कर दो आज का उपास प्रार्थना के दिन लाया इस में धन्यवाद जितने लोगों ने जो जो उपास किया प्रभु वो विषय रखा है वो विषय को ग्रहण करना उतर देना हमारा सबका मेन विषय यही है कि आपका भवन खोल के दो प्रभु और आप खोल के देंगे प्रभु इसलिए मैं धन्यवाद 15 तारीख के आगे लॉकडाउन बढ़ने नहीं देना प्रभु प्लीज़ प्रभु आप ये कर सकते हो प्रभु आपके लिए कोई बात कठिन नहीं आप सबों को संभव कर सकते हो आप करेंगे इसलिए मैं धन्यवाद प्रभु 15 मई के बाद कोई भी लॉकडाउन बढ़ने नहीं देना प्रभु आप करेंगे इसलिए धन्यवाद और आपके भवन खुल जाने के लिए सहायन करना 16 मई को हम सब मिलके आपके भवन में मिलने के लिए सौभाग्य देना आप करेंगे इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप करेंगे हमारी इच्छा और हमारी मनोकामना आप पूरा कर दे इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ देश में गर्मी बहुत है गर्मी के कारण लाइट भी बहुत ज़्यादा है प्रभु ऐसा होने नहीं दो प्रभु ये सब गम बंद करो प्रभु आप करेंगे इसलिए धन्यवाद जितना भी कोरोना वायरस फैला हुआ है प्रभु उन सब जितने लोगों के ऊपर है प्रभु उन सबको भी चंगाई दो और ये सब निकाल दो फैला हुआ को और आप मुक्त करो लोगों को प्रभु हमारे देश को इस कोविड से मुक्त करो प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे एक भी महामारी लगने नहीं दूंगा न उस बांध से तुझेरी हानि होगी न उस महामारी से जो दिन को तो फिर को उठता है प्रभु आपने हम भजन संहिता में कहा है प्रभु तो आप वैसा वचन आपका पूरा करते हो प्रभु आपने दाविद से बोला और उसने जब आपसे प्रार्थना की आपने उसी समय मरी को रोक दिया क्योंकि आपको भी तरस आया अभी भी आपको तरस आने दो प्लीज़ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपको हमारे जो लोग हैं प्रभु उनके पापों के कारण जो आपको क्रोध दिलाया प्रभु कठोर हो गए प्रभु मऊ हो जाओ प्रभु और हम सबको क्षमा करो प्रभु हमारे अपराधों को पापों को माफ़ करो और हमको क्षमा करके आपके लोग से हमें दोगे शुद्ध करो पवित्र करो जैसे आप पाप का शैतान का सब मूर्ति पूजा जादू उठाना व्यभिचार तिरस्कार व्यसन सबका अधिकार तोड़ देते हैं और आपको रिलीज कर दे प्रभु आपने किया इसलिए मैं धन्यवाद देता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिंह आशीष करो सिंह में जितने लोग आते हैं उन सबको आशीष करना प्रभु प्रभु जो जो प्रभु वचन आपने वचन में भी बहुत जगह दिया है प्रभु जैसे यिर्मयाह 45:5 में प्रभु कि महामारी आएंगी वो तुम्हारी हानि नहीं करेगी वो आएंगी पर जो मसीह चुने हुए लोग हैं उनकी हानि नहीं करेगी ये वचन हम घोषित करते हैं प्रभु और हम चुने हुए लोग हैं आपके प्रभु हम लोग चुना गया समाज है प्रभु याचिकीय समाज है प्रभु पत्रस की पत्री के अनुसार प्रभु आप हमको चुने हुए इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं आगे का पूरा समय मैं आपके अनुमति देता हूँ आप अच्छे हो बहुत अच्छे अपने लिए प्राण दिया इसलिए मैं धन्यवाद और आपका वचन ये भी कहता है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा फिर मैं 33:3 कह रहा हूँ सर प्रभु और आप कह रहे हो प्रभु हम आपको पुकारते हैं आप हमारी सुनते और हमको इस महामारी से छुटकारा देते हैं इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सब बोलेंगे हालेलुया 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 बोलो यीशु महाराज की जय बोलो यीशु महाराज की जय बोलो यीशु महाराज की जय मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ परमेश्वर अच्छा है और हमेशा अच्छा करता है आओ हम आज का वचन देखेंगे हम लोग निकालेंगे पहला यहुन्ना की पत्री अध्याय 2 1 John 2:6 पहला यहुन्ना की पत्री अध्याय 2 और उसका 6 पहला यहुन्ना की पत्री 1 John 2:6 पहला यहुन्ना की पत्री अध्याय 2 और उसका 6 जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था आओ हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे 1 John 2:6 पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा मेरे मान पवित्र पिता वचन की सेवा को आपके हाथ में देते हैं आपका वचन क्या ही सुंदर क्या ही पवित्र क्या ही शुद्ध है इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए सहायता करना जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना इसलिए हमारा मन प्रभु
परमेश्वर के यानी आपके सामर्थ्य वचन की ओर लगे रहने के लिए मदद करना। हमारा मन इधर उधर भटकने नहीं देना। हम सब में मसीह का मन घोषित करते हो, दया रखना। ये मेरी खास प्रार्थना है प्रभु। आज्ञा पालन का हृदय देना, जो हम सुनते हैं समझते हैं वैसे ही चाल चलने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना जो प्रभु का शिष्य है उसने ये लेटर लिखा, और इसलिए लेटर लिखा ताकि हम सब क्या हो जाए, अंतिम दिन में जीते समय पर हम बचाए जाए। और जो वो चेतावनी देता है किसके, किन लोगों के विरुद्ध, झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध, झूठी शिक्षण के विरुद्ध, और मतलब यीशु के जो काम विश्वास तो करते हैं लेकिन वैसा काम नहीं करते, उन लोगों के विरुद्ध उसने क्या किया, हाँ ये लेटर लिखा ताकि अंतिम दिनों में हम जीने के कारण हम फंसाने में नहीं आए। कित कैसा होगा ना, हम पूरा इतना साल तक यीशु मसीह में रहे, यीशु मसीह में रहने के बाद हम फंसाने में आ गए, झूठी शिक्षा के पीछे गए या फंसाने वाले के पीछे गए या झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे, बाइबल में लिखा है झूठा भविष्यवक्ता, मसीह विरोधी, इन सब के पीछे या फंसाने वाली आत्मा के पीछे चले गए। और हमें ऐसा लगेगा हम तो यीशु में है बाबा, हम तो यीशु में, हम तो स्वर्ग ही जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे। मरने के बाद जब हम देखेंगे नरक में तड़प रहे तब क्या हाल होगा, तब तो वहाँ से निकल नहीं सकते। आज हमारे पास एक मौका है, आज हमारे पास एक समय है कि हम लोग मन फिरा सकते, पश्चाताप कर सकते, अपने आप को सुरक्षित रख सकते, अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस रीति से हम प्रियो देखते हैं कि हमारा आत्मा नाश नहीं होना, हम भटकाने में नहीं आना, हम कहीं गलत राह पर नहीं जाना। इसलिए आज हमारे पास एक समय दिया गया है, आज हमारे पास एक ऐसा मौका दिया गया है जिसके द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम चेंज हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। अभी जैसे उदाहरण देखो, बहुत लोगों को परमेश्वर स्वप्न दिखाता है कि ऐसे ऐसी विपत्तियां होने वाली है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसे स्वप्न क्यों पड़ते हैं, परमेश्वर मुझे ऐसा स्वप्न क्यों दिखाता है, ऐसा ऐसा क्यों होता है। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर ने उन सपनों के द्वारा आज हमें चेतावनी दिया बचाने के लिए, आगे ऐसा होने वाला है, तुम ऐसा रीति से प्रेयर करो शांति होने के लिए, तुम्हें कोई विपत्ति से गुजरते समय। अब बहुत बार क्या होता है मालूम, अगर हमें कुछ वस्तु मालूम है, अभी मुझे मालूम है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर जब मुझे उस परिस्थिति से सामने वैसी हुई तो मुझे कुछ दुख होगा क्या, दर्द होगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे प्रभु बता चुका है। तो इस रीति से प्रियो, आज हमारे पास परमेश्वर ने एक समय दिया है, उस समय में हम परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो यूहन्ना की जो पत्री आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से प्रभु ने आज हमें समय दिया है कि हम हमारी चाल कैसी करें, मसीह की चाल करें। क्योंकि आज कैसे हम चल रहे, हम बारंबार अपने आप को चेक करते रहे कि क्या हमारी चाल मसीह की जैसी चाल है क्या। क्योंकि हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ लिखा है, जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, यानी जो कोई कहता है, यानी मैं कहती हूँ, हम आप लोग कहते हो, हम सभी लोग कहते हैं कि मैं तो यीशु में हूँ, मैं तो यीशु में, हम सब यही बोलते ना, नहीं नहीं बाबा हम तो यीशु में, हमको ये नहीं चलता है, हम तो यीशु में, हमको ये नहीं चलता, हम तो यीशु में, हमारा ऐसा ऐसा है, हमारा बाइबल हमें ऐसा ऐसा बताता, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं तो यहाँ लिखा है उसे चाहिए कि जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीते समय कैसी चाल चला वैसी वो भी चाल चलना चाहिए, वो भी वैसे ही चाल चलना चाहिए। अभी जो कोई कहता है, जो कोई, अभी ये वचन किसके लिए है मालूम है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु को पाया है, जो यीशु को मेरा प्रभु बोलकर ग्रहण किया है। अभी उनको किसको यहाँ पर चलने के लिए बोला है, यीशु के जैसा चलने के लिए, जो लोग यीशु के पास आए। देखो हम पढ़ेंगे उस वचन को, यहाँ आप कुछ रख दो फिर वापस हम लोग इस वचन में आएंगे। हम निकालेंगे कुलोसियों की पत्री अध्याय दो और उसका हम छः पढ़ेंगे। अभी किन लोगों को यीशु के पीछे चलने क्या है, यीशु इस पृथ्वी पर रहते समय कैसे चला, वैसे हमें भी चलने के लिए तो कौन लोग चलना चाहिए, वहां पर स्पष्ट रीति से बताया है कुलोसियों की पत्री अध्याय दो उसका छः, उसका वर्स सिक्स, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। यहाँ पर किन लोगों को चलने के लिए कहा है, यीशु के जैसी चाल चलने के लिए कहा है, चलते रहो बोला है जब तक तुम उस जगह पर जहाँ यीशु पहुँचा है, स्वर्ग जहाँ यीशु पहुँचा है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है, वहां तक पहुँच चलना है।
तो वहां लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को अपना प्रभु बोलकर ग्रहण किया, तो अभी कौन लोगों ने यीशु के पीछे चलना है, यीशु की चाल चलना है? वो लोग जिन्होंने मसीह यानी बचाने वाले, छुड़ाने वाले यीशु को, मसीह कौन है, यीशु को प्रभु बोलकर, मेरा उद्धार करता, मेरा जीवन, मेरा राजा, मेरा प्रभु बोलकर ग्रहण किया है, वही लोगों ने क्या करना है, यीशु के पीछे चलना है। आपको समझा? अभी कोई ऐसे बहाना नहीं बोल सकते कि अभी मैं नहीं चल सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं यीशु के पास आया हूँ, सही बात है, लेकिन मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं बदलूंगा नहीं, मैं ऐसा ही रहूंगा, मेरा मैं बचपन से ऐसा ही करता आया, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मैं, मेरे को मालूम है क्या करना चाहिए, तुम लोग नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा बोलकर नहीं चलेगा। बहुत से लोग ऐसा ही बोलते, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूंगा, मैं ऐसी ही चाल चलूंगा, मुझे ऐसा ही रहना है, मैं ऐसा ही करूंगा, नहीं हो सकता। यहां लिखा है, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो उन लोगों को यीशु के जैसा ही चलना है। और जो व्यक्ति अपने मुंह से कहता है कि मैं यीशु का हूं, मैं यीशु में हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मेरे यीशु को ऐसा नहीं चलता, ऐसा व्यक्तियों को तो ज्यादा करके यीशु के जैसा चलना है, मालूम हुआ। इसीलिए पृथ्वी पर उसने क्या किए है, यीशु मसीह ने अपने पद चिन्ह रखे हैं। अभी कैसी चाल चलना है, यीशु कैसे चला है, वो यहाँ बाइबल हमें बताता है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2, पहला पत्रस अध्याय 2, और उसका 21। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। अभी देखो स्पष्ट रीति से लिखा है, तुमने ग्रहण किया, अब तुमको ग्रहण तुमने क्यों किया यीशु मसीह को, क्योंकि तुम बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अभी कैसे चलना है, यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह हमारा एक ऐसा आदर्श बना है, ऐसा आदर्श जो इस पृथ्वी पर वो जैसे चला है, उसने क्या किया है, दुख उठाकर, क्या लिखा है यहाँ, उसकी चाल कौन सी थी, दुख उठाना। और यहाँ लिखा है कि उसके पद चिन्हों पर चलो, पद चिन्ह यानी जो पैर के निशान है, जो वो रखकर गया है, उन्हीं चिन्हों पर, उन्हीं पर पैर रखकर तुम्हें इस पृथ्वी पर चलना है। क्या लिखा है यहाँ पर, उन्हीं पर, जैसे यीशु मसीह ने एक साइन रखा है, एक चिन्ह रखा है, उसके एक पृथ्वी पर एक कदम गाड़े गए हैं, एक रखे हुए हैं, उसी पर चलते जाएंगे तो हम मसीह की चाल चलते हैं। तो उसमें सबसे पहला चाल बताया गया है, वो है दुख उठाना। कौन सी चाल बताया है, दुख उठाना। यहाँ पर प्रियो बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह ने कैसे दुख उठाया। यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया। हाँ, वही तो, दुख उठाना मतलब क्या, क्या उठाया, हमारे सब पापों को उठाया। हाँ, हमारे सारे पापों का बोझ उठाकर क्या किया, वो खुद पापी बना, खुद पापी बना। वो पापी था क्या, नहीं, वो पवित्र था, आज भी पवित्र है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए पापी ठहरा। वो गलती उसने की थी क्या, नहीं, लेकिन सारा दोष उसके ऊपर लगाया गया ना। उसको क्या बोला गया, तू क्रूस के लिए योग्य है, इसे क्रूस पर चढ़ा, उसको दोषी ठहराया गया। उसने अच्छे काम किए थे, लेकिन उसकी क्या की गई, निंदा की गई, बराबर है। उसने अच्छे अच्छे काम किए, भले भले काम, बाइबल में लिखा है वो भलाई करता फिरा, तो उसने अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी उस भलाई के बदले में उसे बुराई मिली, उसे दुख क्या मिला, मृत्यु मिली, उसके ऊपर दोष पत्र लगाया गया। सिर्फ मुंह पर भी बोला, तूने ऐसा, ये ऐसा है, इसने बोला ये 3 दिन में मैं मंदिर बना दूंगा, ये ऐसा है, ये झूठा है, ऐसा करके उसके मुंह पर भी बोला। अच्छा, बोला तो बोला, बाद में क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसके सिर के ऊपर भी क्या लिखा, दोष पत्र लिखा कि इसने कहा है ये यहूदियों का राजा है, ऐसा बोलकर उसके थट्टा भी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, दोष पत्र लगाया। ये उसने क्या किया, दुख उठाया। तो सबसे पहला परमेश्वर मसीह ने ये सब किसके लिए किया, हमारे लिए किया। तो आज सबसे पहला पॉइंट परमेश्वर की पहली, यीशु मसीह की जो पहली चाल है,
आपने पाप नहीं किया, आपने गलती नहीं की, लेकिन अगर उस पर आपको दोष लगाया जाता है, उसमें आपकी निंदा की जाती है, उसमें आपको ऊपर उंगली उठाया जाता है, सहो, दुख उठाओ। ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर आप दुख उठाते हो, आप देखो यीशु ने कोई गलत काम किया था क्या? लेकिन फिर भी यीशु के सामने जब निंदा हो रही थी, यीशु के ऊपर दोषारोपण लगा रहे थे, यीशु ने झगड़ा किया क्या? अपनी सफाई दी क्या? यीशु क्या रहा? शांत रहा। तो जब आपके अगेंस्ट में भी आप यीशु की चाल चलते हो, जब आपके ऊपर दोष आ रहा है, आपके ऊपर निंदा आ रही है, आपके विरोध में कुछ बोला जा रहा है, आपको दोषारोपण किया जाता है, बी साइलेंट। उसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए मत जाओ, सफाई देने के लिए मत जाओ। परमेश्वर को तो मालूम है यीशु मसीह पापी नहीं है। था क्या पापी? नहीं, इसीलिए तो उसे पवित्र बोलकर हमारे लिए चढ़ाया ना, बराबर है। तो परमेश्वर की नजर में तो वो जानता है कि परमेश्वर मेरे विषय में जानता है। उसने कहा कि मेरी गवाही दो जन ने दिया, पहले तो यहूना ने दिया, उसने यहूना के बारे में कहा, उसने कहा मेरी गवाही यहूना देता है जिसे तुम धर्मी कहते हो, उसे तुम भविष्यवक्ता कहते हो, लेकिन उसने ये भी कहा कि उससे भी बड़ी है जो मेरी गवाही देता है, वो है मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, जो मेरे बारे में गवाही देता है। यानी उसने अपनी गवाही किसके सामने अच्छी रखी थी? परमेश्वर के सामने। उसे मालूम था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसे मालूम था। अभी जो लोग बोल रहे थे कि इसने ना कहा कि ये मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में मंदिर बनाऊंगा, उसने क्लेरिफिकेशन किया क्या कि वो 3 दिन का मंदिर वो मेरा शरीर है, ऐसा बोला क्या? वहां पर आर्ग्यूमेंट किया क्या? सफाई दिया क्या? परमेश्वर को तो मालूम है ना कि वो अपने बारे में कह रहा था। उसने कहा इसने भूतों के द्वारा, बालजबुल के द्वारा, शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकाला। उसने ऐसा बोला था क्या वहां पर जब उसको सामने प्रकट किया, तो उसने ऐसा बोला क्या? नहीं, मैंने ये सब नहीं किया, उनमें सचमुच दुष्टात्माएं थे। ऐसा क्लेरिफिकेशन दिया क्या? नहीं। आपको समझ में आया? उसने वो दुख उठाया, दुख उठाकर उसने क्या किए, अपने कदम रख चुके हैं, वो दुखी रहा। बाइबल में लिखा है कि हमारे जैसा दुखी रहा, और इब्रानियों की पत्री में भी प्रियो वहां लिखा है कि वो दुखी था। सचमुच प्रियो, पढ़ेंगे उस वचन को तब आपको समझेगा कि सचमुच उसके बारे में लिखा है कि वो दुखी था बाइबल में। इब्रानियों की पत्री निकालो और पत्रस के अध्याय में आप कुछ रख दो, क्योंकि हमें उसके आगे का वचन पढ़ना है। इब्रानियों की पत्री, हिब्रू अध्याय 5, और उसका 7वें वचन से। इब्रानियों की पत्री अध्याय 5। अभी दुख आया तो क्या होता है? दुख आता है तो क्या होता है? दर्द होता है। तो सबसे पहला क्या होता है? दर्द होता है। फिर क्या होता है? रोना आता है। एकदम करेक्ट पॉइंट है। दुख आने पर क्या होता है? दर्द होता है। दूसरा आता है रोना आता है, और रोते समय क्या, तीसरा क्या होता है? आंसू बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारे आंख से आंसू छलकते हैं। चौथा क्या होता है? निंदा निकलता है, मतलब हाँ, हम लोग अगर रोते हैं, हमको कोई दुख दिया तो हम लोग कर्स करते हैं, लेकिन उसने चौथा प्रार्थना की। पढ़ेंगे उस वचन को 7वें वचन से, तब आपको समझेगा। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, अभी हम यहाँ स्पष्ट रीति से लिख पढ़ते हैं, यीशु देह में था जैसे हम देह में हैं। शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी। मालूम हुआ? अभी हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय, वही इब्रानियों का, हिब्रू चैप्टर फोर और उसका पंद्रह वचन। Hebrews 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी, क्या लिखा है, दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। आपको समझा? यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि यीशु दुखी था, देह में वो दुखी था, आंसू बहाता था जब उसके ऊपर, ये नेचुरली उसको भी दुख होने पर उसके भी आंखों से पानी निकलता है, क्योंकि देह है ना,
शरीर है तो अंदर दर्द हुआ है, हर्ट हुआ है, तो आंख से आंसू निकलेगा, लेकिन उसने कर्ज नहीं किया। उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना और विनती की और दुख उठाकर उसने क्या किया? यीशु परमेश्वर की आज्ञा मानी। मालूम हुआ? और जो वचन हम वापस अभी पत्रस के अध्याय में जाएंगे, तो इसलिए पहला जो हम यहाँ पद चिन्ह देखते हैं, यानी उसकी जो पृथ्वी पर चाल थी वो कैसी थी? वो दुख उठा उठाकर, यानी दुखी बनकर वो जिया, सुख के पीछे नहीं भागा। पृथ्वी का सुख, थोड़े समय का जिसको अंत है, उसके पीछे वो नहीं भागा। प्रभु ने उसके दुख, पिता परमेश्वर ने उसके दुख का अंत किया। आज वो सदा काल के लिए महायाजक बनकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। उसने ये दुख उठाने के लिए खुद के मर्जी से किया, पर पिता परमेश्वर ने उसको जबरदस्ती नहीं की थी कि जा और इनके लिए प्राण दे। उसने कहा, मैं अपना प्राण खुद से देता हूँ और उसे मुझे लेने का भी अधिकार है। उसको जबरदस्ती नहीं की गई थी, पिता ने उसे आज्ञा दी और वो तैयार हुआ। और पिता ने इसे बारंबार उसे नहीं पीछे पड़ा कि जाना, कब तू जाना उनके लिए मरना, जाना उनके लिए मरना, ऐसा बार बार उनके पीछे नहीं पड़ा। पिता ने एक ही बार उसे कहा कि उनके लिए बचाव के लिए कोई मार्ग नहीं है, एक ही है, वो है तू। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ, अपने आप को दे दिया उसे इस रीति से कि दुख सहने के लिए। देखो प्रियो, आज दुख सहने के लिए कोई भी आगे नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहेगा। अगर उन्हें कहेंगे, अगर आज देखो बोलेंगे आज चॉकलेट है, डेयरी मिल्क बांट रहे, आइसक्रीम दे रहे हैं, तो सब लोग आगे आ जाएंगे, क्योंकि ये सब अच्छी खाने वाली वस्तुएं हैं, बहुत अच्छी वस्तुएं हैं। लेकिन अगर हम उनको बोलेंगे कि अभी कड़वा रस दिया जा रहा है, तो कोई पीने के लिए आगे आएगा क्या? कोई भी नहीं आएगा। हट, ये क्या खाना है क्या, ये क्या पीना है क्या, ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा कोई करता है क्या, इस रीति से बोलते हैं ना। लेकिन देखो प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि पिता के हाथ से, पिता ने जैसे उसे कहा तुझे ये करना है, वो आगे हो गए, उसने दुख ले लिया। दुख के लिए कोई भी आगे नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को दुख उठाने के लिए, हमारे लिए दुख सहने के लिए आ गया। इससे पहला चिन्ह परमेश्वर हमें ये बताता है कि मसीह जो जैसे चला दुख उठा उठाकर, तो हमें भी क्या करना है, हमें भी एक दूसरे, अगर हमें तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, इंसल्ट करते हैं, हमारा नहीं सुनते, हमारा नहीं मानते, हमारे अधीन नहीं रहते, या गलत हमें बात करते, तो हमें दुख उठाना है, सहना है, चुप रहना है, क्लेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। परमेश्वर तो जानता है ना सत्य कौन है, सही कौन है। हम अपना खाली फोकट बातचीत कर क्लेरिफिकेशन कर हम एक दूसरे से दूर क्यों होना? क्योंकि जितना हम क्लेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, जितना हम सही बात करने के लिए जाते हैं, उतना वो प्रकरण खींचा जाता है। उससे बेटर है वो प्रकरण मिटा डालो और भूल जाओ। आज परमेश्वर हमसे यही कहता है कि मसीह जीवन सबसे पहला जीवन है, दुखी जीवन। हमारे जीवन में दुख होगा प्रिय, आप ऐसे बोल नहीं सकते कि मैं मसीह के पास सुख लेने के लिए आया। बाइबल कहता है जिस परमेश्वर से तुम सुख लेते हो, उस परमेश्वर के हाथ से दुख भी ले लो। कितने साल से यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ अभी भी है, लेकिन जिस परमेश्वर के हाथ से उसने सुख लिया, वही अपने पिता के हाथ से वो दुख लेने के लिए भी तैयार हुआ। जिस पिता के साथ वो सुख में था, सुखलोक में था, अच्छी जगह में था, परमेश्वर है वो स्वयं, लेकिन जैसे उसे पिता ने कहा तुझे इनके लिए दुख उठाना है, उसने दुख भी ले लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता से प्यार करता है, ये उसने दिखाया। जो दुख सहता है वो प्रकट करता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह ने हमसे भी प्यार किया है और पिता से भी प्यार किया है, ये दुख उठाकर उसने बताया। मुझे तो अभी बहुत सारे 6 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, मेरा ये पहला ही पॉइंट है अभी तक चल रहा है। प्रियो, यीशु मसीह ने दुख क्यों उठाया? क्योंकि वो अपने पिता से प्यार करता है और दूसरा हमसे भी प्यार करता है। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है और वो अपने पिता की आज्ञा को तोड़ना नहीं चाहता, और दूसरा वो हमें भी नरक में देख नहीं सकता, इसीलिए वो हमसे भी प्यार करता है। इसीलिए वो प्यार ने क्या किया, दुख उठाने के लिए उसे आगे किया। तो जब प्यार होता है ना, तब दुख होता है। बच्चे अपने माँ बाप से प्यार लेते हैं, लेकिन जब बच्चे को अपने माता पिता मारते हैं, वो मार उन्हें लेने के समय पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस समय वो नहीं सोचते कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों मारते हैं, वो सोचते मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते इसलिए मुझे मारते हैं, मेरे माँ बाप मेरा इंसल्ट करते हैं, मेरा माँ बाप मुझे दुख देते हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते। इतने साल से उनको बड़ा किया, नाम दिया, खिलाया, बड़ा किया, उनको सहलाया, नहलाया धुलाया, उसमें प्यार नहीं था।
जो ताड़ना वो कर रहे थे वो ताड़ना भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको सिखाने के लिए, उनको उस ताड़ना में भी तो प्यार है ना। बाइबल में क्या लिखा है, हिब्रू चैप्टर 12 में, कि पिता जिसे प्यार करता है उसी को ताड़ना देता है, पिता जिसे पुत्र बनाता है उसी को ताड़ना देता है। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। तो ताड़ना भी एक प्यार है, दुख भी देना। अगर अब पिता अगर अपने बच्चों को कोई दुख दे रहा है तो उसके पीछे भी कोई हेतु होता है ना पिता का। अभी जैसे मैं उदाहरण आपको बताती हूँ, पिता ने, स्वर्गीय पिता ने, जो प्रेम है, दया का सागर, क्षमा की खान, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, उसने अपने बेटे को दुख दिया है ना, कलवरी क्रूस की मृत्यु दी। क्यों दी? उसमें वो हमारे प्रति प्यार दिखाना चाहता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो यीशु को प्यार नहीं करता, करता है, वो हमसे भी ज्यादा यीशु को प्यार करता है, वो हमसे भी। मैं पहले ऐसे ही सोचती थी, मैं जब मैंने ये वचन तैयार किया, कल ये वचन, मुझे ये वचन 3 दिन पहले मिला था, कल मैंने प्रिपरेशन किया, तो कल जब प्रिपरेशन किया, कल के दिन तक मेरी ऐसी सोच थी, प्रभु सुनता है, कि परमेश्वर यीशु से भी ज्यादा मुझे प्यार, हम लोग को प्यार करता है, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। लेकिन नहीं, यीशु, परमेश्वर अपने पुत्र को, यीशु को भी प्यार करता है जैसे हमको प्यार करता है। परमेश्वर के यहाँ पक्षपात नहीं है, यही वचन मुझे कल बोला गया, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, मुझे ज्यादा प्यार और जोशुआ को कम प्यार, एस्तर को कम प्यार, रजनी को ज्यादा प्यार, ऐसा वो यहाँ वहाँ पक्षपात नहीं है। परमेश्वर का यहाँ पक्षपात नहीं होता, इसीलिए जो प्यार वो यीशु मसीह को करते हैं वही प्यार उसने हमसे भी किया। इसीलिए तो हम यीशु के भाई कहलाए गए ना, इसका मतलब हम परमेश्वर की संतान है ना। तो इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार यीशु मसीह को भी उसने प्यार किया, और परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। देखो बाइबल में हमने क्या पढ़ा, इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में क्या लिखा है, परमेश्वर जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना देता है। तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, इसलिए हम सब की ताड़ना उसके ऊपर पड़ी, ये उसका प्यार है जो उसने यीशु मसीह पर भी प्रकट किया और हमारे ऊपर भी प्रकट किया, एक ही साथ। मालूम हुआ? इसलिए प्रियो, आज बहुत से बच्चे अपने माता पिता से जब ताड़ना लेते हैं तो उनके मन में सबसे पहले रॉन्ग सोच आती है कि मेरे पिता ने मुझे क्यों मारा, क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करते। इतने साल से प्यार लेते आया, गलती करने पर जब ताड़ना की गई, तो अभी यीशु मसीह ने कितनी दुख उठाया, लेकिन क्या उसने कभी ऐसा कहा कि पिता परमेश्वर तुम मुझसे प्यार नहीं करता? कभी ऐसा कहा? नहीं कहा ना। उसने वो दुख उठाकर क्या किया, आज्ञा मानी। ऐसे ही लिखा है, देखो, उसने दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, तुम भी वैसे ही करो। तुम्हारे जीवन में दुख आया तो तुम गाली नहीं देना, निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना, उसको सह लो, उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, कलह करने नहीं जाना, झगड़ा करने नहीं जाना, पूछने नहीं जाना, तू मेरे बारे में ऐसा बोला क्या, तूने ऐसा ऐसा किया क्या, ये करने के लिए भी नहीं जाना, क्लेरिफिकेशन करने नहीं जाना, जस्टिफाई करने नहीं जाना। आज परमेश्वर हमसे यही कहता है, यीशु की चाल। देखो, आप सबको यीशु की चाल मालूम है। आप यीशु की चाल पूछेंगे तो सबसे पहला आप क्या बताएंगे, यीशु की चाल प्रेम है, यीशु प्रेम से चला। यीशु की चाल तो दया है, यीशु दया में रहा। यीशु की चाल तो क्षमा है, वो क्षमा करते गए। ये सब हमें मालूम है, लेकिन क्या हमें ये बात मालूम है कि यीशु मसीह की सबसे पहली चाल है दुख उठाकर, और वही हम मसीह लोग सहना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते, हम दुख उठाना नहीं पसंद करते। आज प्रियो, प्रभु हमसे सबसे पहले चाल जो हमने वहां पर पढ़ा, यूहन्ना की पत्री में पढ़ा, अगर तुम कहते हो कि मैं उसमें हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं यीशु में हूँ, तो फिर जैसे यीशु चला, जैसा आप वो चले, वो भी वैसे ही चले। कैसा चले? जैसे यीशु मसीह चला। तो आज से प्रियो, आपके जिंदगी में, आपके घर से, आपके पड़ोसियों से, विश्वासियों से, जैसे भी जो भी कुछ होगा, सहो, दुख उठाओ, चुप रहो, हो सके तो साइलेंट रहो, मुंह को मुंह मत लगाओ, आर्ग्यूमेंट मत करो। ये पहला पॉइंट आज हम परमेश्वर हमें बताता है। अगर आगे आप पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा है, न पाप किया,
22वां वचन, उसका सेकंड जो पद चिन्ह रखा है, उसका जो पद चिन्ह जो हम दुख उठाने में देख रहे, 22 वचन जो पढ़ते हैं, पहला पत्रस अध्याय 2, फर्स्ट पीटर चैप्टर टू उसका 22, न तो उसने पाप किया, तो सेकंड पहला दुख उठाया, दूसरा उसने क्या किया, उसने कोई पाप नहीं किया, दुख उठाया, अच्छा इसने ऐसा किया ना तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, उसने पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि हमने बीच में ये वचन भी पढ़ा था, तिमथी की पत्री में हमने पढ़ा था, तिमथी की पत्री में ऐसा दिया गया है कि अगर हम बहुत बार कैसे है मालूम, अगर किसी ने हम पर दोष लगाया और हमने वो गलती नहीं की रहेगी तो हम क्या करते हैं, अच्छा तूने ऐसा बोला ना, अब तो मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा, बोलते हैं ना। अगर सोचो उदाहरण के तौर पर, अगर सोचो मैंने रजनी को बोला कि रजनी तू तो झूठी चे, तो कभी भी झूठी बोलती है, तो वो क्या बोलेगी, अच्छा मैं इतना सच बोलने के बावजूद भी दीदी मुझे झूठी बोलती है, तो फिर ठीक है अब तो झूठो ही बोलूंगी, सच काहे को बोलने का, अगर सच का जमाना ही नहीं रहा तो सच बोलने से, अगर बोलने पर विश्वास नहीं करते तो झूठ पे विश्वास करेंगे ना, ठीक है मैं झूठी बोलूंगी, ऐसा नहीं। इसलिए देखो हमने वचन लिया था, सेकंड तिमथी की पत्री में पढ़ा था हमने, सेकंड तिमथी अध्याय 2 में पढ़ा था, उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे, सेकंड तिमथी चैप्टर 2 वर्स 13, चैप्टर 2 सेकंड तिमथी चैप्टर 2 वर्स 13, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। उसको कहा गया तू झूठा है, तो उसने ऐसा बोला हाँ मैं झूठा हूं, ऐसा बोला क्या, उसको मालूम है मैं सच्चा हूं, उसने कहा तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सेकंड तिमथी चैप्टर 2 वर्स 13, सेकंड तिमथी चैप्टर टू वर्स थर्टीन, उसका 13, वहां स्पष्ट रीति से लिखा कि उसने अपना इनकार नहीं किया, है ना, उसे मालूम है ना वो सत्य है, सत्य वो पवित्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसे मालूम था, लोगों ने वो स्वीकार नहीं किया, उसने क्या कहा सच सच बता कि तू परमेश्वर का जीवित है, परमेश्वर का पुत्र है, उसने कहा हाँ, और तुम मुझे बादलों पर आता हुआ और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ देखोगे, सबने अपने कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने इनकार किया लेकिन उसने इनकार किया अपना नहीं किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया लेकिन उसने बोला क्या तुम मुझे नहीं स्वीकार करते, जानते मैं नहीं तो नहीं, जा तुम्हारे नजरों में नहीं हूं ना तो ठीक है मैं नहीं हूं परमेश्वर का पुत्र, ऐसा बोला क्या। इसीलिए जो हमने वचन यहाँ पढ़ा ना पत्रस के पत्री में कि न तो उसने पाप किया, यानी हम जब हमारे जिंदगी में कोई भी ऐसी इल्जाम या कुछ ऐसी बातें आती है या ऐसी परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति में हम क्या नहीं करना है, पाप नहीं करना है। हमारे जिंदगी में जब दुख आता है तो उस दुख की घड़ी में हम जानबूझ के पाप नहीं करना है कि सामने वाले के लिए, हमें हमारी गवाही सबसे पहले परमेश्वर के सामने अच्छी रखनी, न मुंह से छल की कोई बात निकली, जैसे मैंने कहा उसने ऐसा झूठ बोला क्या, नहीं है मैं परमेश्वर का पुत्र, ऐसा छल का बात निकाला क्या, तो हम भी वैसे छल की बातें नहीं निकाले, किसी को हर्ट हो, किसी की हानि हो, किसी की सामने वाले का या अपनी खुद की इमेज गिर जाए, ऐसी कोई बातें हम ना निकालें, गाली सुनकर गाली का उत्तर नहीं दिया, दुख उठाकर 23वां वचन 23 फर्स्ट पीटर चैप्टर टू उसका 23 पहला पत्रस अध्याय 2 उसका हम 23 वचन पढ़ रहे हैं, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, देखो अभी ध्यान से, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, बताऊं क्या, बताऊं बोलू क्या तेरा बात बोलू है, बोलू क्या तेरा, इस रीति से वो दुख उठाकर उसने जो दुख उठाया उस दुख उठाकर उसने धमकी नहीं दिया, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया, क्या किया अपने हमारे लिए मर गया, मालूम हुआ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दुख उठाना, दुख उठाते समय हमारे जिंदगी में जब है ना नाक मरोड़ने पर खूनी आना चाहिए, गाली नहीं,
याद रखो यही वचन यहाँ के, नाक मरोड़ा है शेमूड नहीं तो खून, ये दोनों ही आने दो, लेकिन गाली नहीं, निंदा नहीं, धमकी नहीं, बुराई नहीं, मुंह से छल की बातें नहीं, झूठी बातें नहीं, गलत बातें नहीं, यही है। तो पहली चाल जो हम देख रहे हैं वो कौन सी है, दुख उठाना। ये दुख उठाने में इतना सब आज हम देखा है, ये जो पहला पॉइंट हमारा आज का, तो पहला पॉइंट है दुख उठाना। यीशु की चाल कौन सी थी, दुख उठाया, और दुख उठाते समय जो सही, उसने अपने आप का इनकार न कर कर उसने सही चाल चला, तो हमें भी वही चाल चलना है। अगर आप कहते हो कि आप मसीह में हो, यीशु में हो, मैं मसीह का हूँ, तो फिर आपको वैसे ही चाल चलना है जैसे यीशु चला। तो यीशु ने किस कौन सा पदचिन्ह पहला रखा, दुख उठाना। दूसरा रखा प्रियो, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय और उसका है पांचवा वचन, जैसे वचन पर चला। फर्स्ट जॉन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय दो, हमने छह पढ़ा था, उसका पांचवा वचन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:5, जो कोई उसके वचन पर चले सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। अगर हम यीशु में हैं, यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहे मांगो तुम्हें मिलेगा, है ना। तो पिता तुम में वास करेगा, पिता तुम में बना रहेगा और हम दोनों तुम में बने रहेंगे। तो यीशु में बने रहने के लिए, हम यीशु के हैं कहने के लिए, दूसरा पॉइंट दुख उठाना पहला, दूसरा है उसके वचन पर चलना। हमने इब्रानियों की पत्री में जो वचन पढ़ा ना पांचवें अध्याय में, कि उसने क्या किया, दुख उठाकर आज्ञा माना, आज्ञा मानना सीखा। तो दूसरा है वचन पर चलना, बहुत जरूरी है प्रिय। अगर हम उसमें हैं, हम उसके हैं कहते हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु के हैं, हम मसीह के हैं, तो फिर दूसरा पॉइंट प्रियो बहुत जरूरी है, हम उसके वचन पर चले। उसका वचन हमें क्या कहता है, उसका वचन हमसे क्या बात करता है। हमको वचन मालूम होने के बाद भी अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपको मालूम है सबसे खतरनाक घंटी बज रही है हमारे कानों में घंटी। वो घंटी क्या है, अगर तू वचन के अनुसार नहीं चला तो नरक जाएगा, क्योंकि नरक में अविश्वासियों को जो शिक्षा है उससे ज्यादा शिक्षा है विश्वासियों को, जो यीशु को ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चले, उनको ज्यादा शिक्षा है, उनको ज्यादा टॉर्चर है, उनको ज्यादा सतावे। इसीलिए जब कोई मरता है ना विश्वासी पीछे हटा हुआ, तो मुझे सबसे पहला दुख किस बात का आता है मालूम, कि अरे रे अभी वो नरक में गया ना, अरे बाप रे कितना दर्द सहता होगा, वो भरमाने वाले ने तो उसको पीछे हटा ही लिया, मार भी डाला, अब उसको नरक में टॉर्चर भी सह रहा होगा। ये सबसे पहला विचार मेरे मन में आता है, क्यों, क्योंकि नरक है ही ऐसा भयानक। इसीलिए वचन पर मालूम होने के बाद भी अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते, यीशु को वचन मालूम था इसलिए वचन के अनुसार चला। उसने क्या कहा, वो वचन के अनुसार ही चला। उसकी चाल कैसी थी, वचन के अनुसार, वचन उसके लिए जो बोला गया था उसके अनुसार ही वो चला। उसने कहा क्या, नहीं नहीं पिता, अब्बा पिता तुम मुझे गाय के गोटे में पैदा करते हो, मुझे नहीं चाहिए गाय का गोटा, ऐसा बोला क्या। बाइबल में उसके विषय में कहा था कि वो चरनी में जन्म लेगा, गाय के गोटी में, मरियम से एक कुंवारी से पैदा होगा। उसने अपने आप को समर्पित किया। उसने कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे विषय में ऐसा लिखा गया है, उसके बारे में जो लिखा गया है वो उसके अनुसार वो उसने किया, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। वो क्या कहता है, मेरे बारे में जो कुछ लिखा गया है मैं उसके अनुसार ही करता हूँ, पिता ने जो मुझे कहा मैं उसके अनुसार करता हूँ, पिता का काम मैंने जो देखा, उसने मुझे बोला तुम्हें आज ये करना है, मैं वही कर रहा हूँ, पिता से जो मैंने सुना वही मैं तुमके कर रहा हूँ। देखो वो अपनी मर्जी से नहीं, वचन जो उसे बोल रहा था, वचन उसे जो मालूम था उसके अनुसार। देखो उसे वचन मालूम था माता पिता के अधीन रहना है, वो 12 साल की उम्र होने के बाद वो कह सकता था ना, मेरा तो सेवा करने का समय, मैं अभी तो करना चाहता हूँ, मैं 12 साल का बड़ा लड़का हो गया, नेचुरली 12 साल का लड़का उस समय का वो हाइटेड था, अच्छा टॉल था, हेल्दी था, क्योंकि उधर के लोग बुटके नहीं है, अच्छे हाइटेड है, जो यीशु अच्छा हाइटेड था, हेल्दी था, वो बोल सकता था मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या तुम लोग माता पिता तुम लोग मेरे पीछे पीछे आए हो, ऐसा बोला क्या उसने, नहीं बोला ना, वो माता पिता के अधीन रहा, क्योंकि वचन कहता है
तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। आपको समझ में आया? तो वो वचन के अनुसार चला, तो हम भी वचन के अनुसार चलना है। वचन हमें क्या कहता है उसके अनुसार चले, ये आपकी दूसरी चाल होनी चाहिए। तीसरी चाल आपकी होनी चाहिए नम्रता। यीशु बहुत नम्र चला, और सिर्फ यीशु नम्र में चला नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जूना करार भी हमें, पहले मैं यीशु के बारे में बताने से पहले जूना करार का बताती हूँ। यहोवा भी हमारा, जिसे हम स्वर्गीय पिता कहते हैं, वो भी यही चाहता है। हम पढ़ेंगे मीका अध्याय, मीका 6 मीका अध्याय 6 योना के बाद है, योना के बाद मीका अध्याय 6 और उसका 8 उसका 8 वर्स। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, और देखो तीसरा पॉइंट, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर चाहता है आप नम्र बनो। अभी यीशु मसीह नम्र था, बाइबल में लिखा है कि हमारा यीशु मसीह इतना नम्र था, इतना दीन था कि उसने कलवरी क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियों की पत्री में, बाइबल में उसके विषय में लिखा गया है, दूसरे अध्याय में फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 6 वचन से, जिसने परमेश्वर में स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने पर अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में प्रकट हो गया, और 8वां वचन, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन किया कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, यानी इतना नम्र वो हो गया। जूना करार भी परमेश्वर यही चाहता है हमसे, हमसे चाहता है कि हम नम्र हो। नम्रता का अर्थ क्या है, नम्रता का मतलब क्या, हम में नम्रता है कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, तो वही तो स्वभाव, यहाँ पर तो भी दिया हमने, वही पढ़ा यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा तुम्हें स्वभाव, तो नम्र हम है कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, तो कौन से ऐसे काम कि आप नम्र हो? नम्र आपके अंदर है तो जो आपको कहा जाता है आप वो करते हो, तो उसे कहते हैं नम्र है आप। अहंकारी जो कहा जाता है वो नहीं करता है, वो विरोध करता है, बलवा करता है, लेकिन नम्र व्यक्ति क्या करता है, जो बोला जाता है उसे वो ही करता है, क्योंकि उसे मालूम है ये मुझसे बड़े हैं, मुझे इनका सुनना है। बाइबल में लिखा है कि नम्रता इसी से महसूस होती है। अभी देखो यीशु मसीह को जो कहा गया था, वह जो हमने फिलिपियों की पत्री में पढ़ा, वो नम्र है कैसे मालूम हुआ, उसको जो कहा गया था उसने वही किया। यहाँ वहाँ ऐसा लिखा है, हमारी हिंदी में ऐसा लिखा है, हाँ उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, यानी दुख वो जो कोई भी नहीं चाहेगा, भयानक ऐसी मृत्यु, पापी ठहराना, दूसरे पापी लोगों के साथ पापी होना, है ना, गलत है ना, आपको समझ में आ रहा है? अभी सोचो चोर लुटारू डाकू के बीच में मुझे भी बिठा दिया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्या? मुझे क्या लगेगा कि नहीं नहीं अभी मैं यीशु में हूँ, मेरी लोग मुझे दीदी बोलते हैं, और चोर लुटारू डाकू में मुझे यहाँ बिठा दिया, वो लोग क्या सोचेंगे, मेरी इनके साथ संगति है, मैं भी वो उन्हीं के जैसी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा फीलिंग आएगा ना, शर्म आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, डाकू दोनों डाकुओं के बीच में कलवरी क्रूस की मृत्यु सह ली। जो डाकुओं लोग, जो बुरे लोग थे, उन लोगों को चढ़ाया जाता था क्रूस पर, यानी इतनी भयानक गंदी मृत्यु, और उसने सह ली। उसे कहते हैं नम्र। नम्र व्यक्ति क्या करता है, जो बोला गया है वो करता है, उसमें विरोध नहीं करता, आर्ग्यूमेंट नहीं करता, बलवा नहीं करता, विरोध नहीं करता, अपनी मर्जी उसमें नहीं डालता, मालूम हुआ? तो इसीलिए तीसरा पॉइंट परमेश्वर हमें ये बताता है कि हम क्या हो। यीशु नम्रता से चला, यीशु नम्रता से चला, इसलिए हम भी नम्रता से चले, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, हम उजियाले में चले, प्रकाश में चले।
क्योंकि इस जगत का प्रकाश आप पढ़ सकते हैं जॉन चैप्टर 8 और उसका 12 वचन। यीशु ने कहा मैं इस जगत का प्रकाश हूँ और जो कोई इस प्रकाश में चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। तो अंधकार में चलने वाला उसको दिखता नहीं, उसको दिखता नहीं। वचन वो वचन हम पढ़ लेंगे आपको, पहला यहोना की पत्री अध्याय दो उसका 9 से 11 वचन है, लेकिन हम 9 से पढ़ेंगे। जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है, वो ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वो नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि ध्यान से पढ़ो अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। जब अभी देखो, अभी हम लोग रात के समय पर हमारे सबके घर में लाइट चालू रहती है और अचानक लाइट जाती है तो क्या हो जाता है, सब अंधेरा होता है। हमारे आंखों में कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। मैं मेरे बारे में गवाही देती हूँ, मतलब मेरे बारे में उदाहरण देती हूँ। मैं बाहर ऐसे खिड़की में से देख रही थी, और किसको तो देख रही थी, जोशुआ को ही देख रही थी वहाँ से, और अचानक लाइट गई और मेरे सामने सब अंधेरा हो गया। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं, जबकि मैं खिड़की से डायरेक्ट बेडरूम में जल्दी से ऐसे अंधेरे जा सकती थी, लेकिन मुझे जमी नहीं रहा था वहाँ से, इतना अंधेरा, पूरा अंधेरा हो गया था। उसके बाद तुरंत थोड़ा टाइम के बाद लाइट आई क्षण में, जब बिजलियाँ बीच में देखो अभी बिजलियाँ चमकी थी, उस दिन का बात है। आपको समझ में आ रहा है, जब अंधकार क्या करता है, आंखों को अंधा कर देता है, फिर आंखों को अंधा करने के बाद कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, ना बाजू में मेरे बाजू में सोफा सेट ही है, मेरे सामने कोई आदमी है, या कहाँ पर टर्न मारना है, किधर बेडरूम है, किधर मेरा किचन है, किधर हमारा कौन किधर बैठा है, कुछ भी नहीं दिखता। तो अंधकार का काम क्या है, हम मनुष्य को आंखों को अंधा करना। फिर अंधा हो गया, कुछ दिखाई नहीं देगा अंधे आंखों के सामने, तब क्या हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, हम गलत राह पर जाएंगे, हम भटकेंगे, हम गलत जगह पर जा सकते हैं और हमारा नुकसान हो सकता है। तो वही शैतान का काम रहता है, इसीलिए हमारी चाल खराब करने के लिए वो क्या करता है, हमारे आंखों को अंधा कर देता है। इसीलिए जो हम आज हम देख रहे हैं, चौथी चाल जो हम देखते हैं, अगर प्रकाश में हम चलेंगे, हम यीशु के प्रकाश, हम यीशु में है तो यीशु के ही प्रकाश में चलना है। तो यीशु के प्रकाश में चलते हैं तो सबसे पहला, हम यीशु के प्रकाश में है, हमको कैसे मालूम पड़ता है हम यीशु के प्रकाश में है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बताया है, हम हमारे भाई से बैर नहीं करेंगे। अभी हम हमारे घरों में हम जब रहते हैं, हम एक को पसंद करते एक को नहीं पसंद करते, अक्सर हाँ बहुतायत घरों में यही प्रॉब्लम है। जबकि यहाँ लिखा है जो कहीं कहता है कि मैं यीशु में हूँ, यानी यीशु का प्रकाश में हूँ, तो वो अपने भाई से बैर नहीं कर सकता। जोशुआ एस्तर से नफरत करता है, अगर बैर करता है तो इसका मतलब वो अभी भी अंधकार है, अंधकार ने उसके आंखों पर पट्टी लगा दी है, वो अंधकार में चलता है, उसको मालूम नहीं है। लेकिन अगर जोशुआ एस्तर से प्यार करता है तो फिर इसका मतलब क्या है, उसकी आंखें खुली है, उसको दिख रहा है कि ये मेरी बहन है, ये मेरे से 2 साल छोटी है। लेकिन अगर वो नफरत करता है, इसका मतलब उसे ये नहीं दिख रहा है कि ये उसकी छोटी बहन है, उसको दिखता नहीं, इसीलिए उसके साथ बुरा कर रहा है। आपको समझा, जो एस्तर अपने भाई से नफरत करती है, बैर करती है, तो इसका मतलब है उसकी आंखें अंधे हो चुकी है, अंधकार ने उसको, वो कह तो रही है मैं यीशु में हूं लेकिन वो प्रकाश में नहीं है, इसीलिए वो गलत काम कर रही है, तो वो आगे जाके उसका ही नुकसान होगा। वो प्रकाश में नहीं चल रही, अंधकार में चल रही, गिर जाएगी, नुकसान होगा। अंधकार कहाँ लेके जाता है, नरक लेके जाता है ना। इसीलिए अगर वो उजियाले में है, वो कहती है मैं यीशु में हूं, तो उसे प्रकाश में ही चलना है। तो प्रकाश में क्या है, उसको दिखता है कि ये मेरे अप्पा है, ये मेरी अम्मा है, ये मेरी बड़ी बहन दीदी है, ये मेरी मौसी है, ये मेरा भाई है, उनके साथ सही बर्ताव करना। और हम भी, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है,
ये मेरी बहन है, वैसे ही बिहेवियर करना, ये होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि स्पष्ट रीति से, देखो 10वां वचन, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है, वो ठोकर नहीं खा सकता, वो गिरेगा नहीं, उसे पाप नहीं होगा। अगर सोचो जोशुआ की मेंटालिटी में मालूम है ये मेरी बहन है, तो क्या उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा, उसको आते जाते टपली मारेगा, उसको कान मरोड़ेगा, उसको अकेले में पाकर उसको मारेगा, पिटेगा, गाली दे, तेरे को देखो ऐसा करेगा, धमकी देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरी छोटी बहन है। अभी अक्सर घरों में क्या बोलते हैं, 2 साल से तो छोटी है। अरे 2 साल से है ना, 2 साल भी बहुत फर्क हुआ ना, 2 साल बोला तो भी बहुत है, छोटी तो हुई ना, 1 दिन से भी बोलते हैं ना, 1 दिन से छोटी है, छोटी तो है। तो ये परमेश्वर हमें सिखाता है। मैं और एक आपको वचन पढ़वाती हूँ प्रकाश के बारे में। अभी हम प्रकाश में चल रहे कि नहीं हमें ये कैसे मालूम होगा, रोमियो की पत्री निकालो, वहां स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, रोमन्स, फिर इप्सियो में भी लिखा हुआ है ये वचन, रोमियो की पत्री 13 रोमन्स 13 और उसका 13:12 से पढ़ लो, अंधकार के कामों को त्यागने को बोलो। रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले, यानी ज्योति में हम चले। यहाँ लिखा है जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। कौन सी सीधी? सीधा चाल, यानी हम प्रकाश में है तो उसका चाल कैसा होना चाहिए? सीधा चाल, प्रकाश में चलने वाला। अभी प्रकाश में चलने वाला, उजियाले में चलने वाला टेढ़ा मेढ़ा चलता है क्या? नहीं चलता। वो कैसे चलता है? सीधा, उसे मालूम है मुझे इधर ही चलना है, वो सीधा चलेगा, न कि लीला क्रीड़ा पियक्कड़, न व्यभिचार लुचपन झगड़ा डाह। अंधकार के काम कितने हैं? लीला क्रीड़ा पियक्कड़ व्यभिचार लुचपन झगड़ा और डाह, ये 6 काम है अंधकार के, जिसमें इंसान गिर जाते हैं और बाद में विनाश में चले जाएंगे। इसलिए जैसा यीशु मसीह चला, यीशु मसीह ने लीला क्रीड़ा किया क्या? नहीं, नहीं किया। पराई पराई से स्त्रियों के पीछे सब भागा क्या? नहीं भागा ना। पियक्कड़ दारू पिया क्या? नहीं। व्यभिचार किया क्या? नहीं। लुचपन किया क्या, यानी चीटिंग, गंदी काम, गंदे काम, ऐसा कुछ किया क्या? झगड़ा किसी से किया क्या? नहीं। जलन किया क्या, बुरी दृष्टि रखी क्या? नहीं ना, तो हम भी नहीं करें। इसे कहते हैं अंधकार के काम, जिसने जो जिसकी आंखें अंधी हो चुकी है, आंखों के सामने अंधेरा है, यानी वो प्रकाश में नहीं है। अभी ये लोग, ये अगर सोचो मैं लीला क्रीड़ा कर रही हूँ, या सोचो मैं लीला क्रीड़ा नहीं कर रही हूँ, लुचपन में हूँ, या सोचो मैं झगड़े में हूँ, तो इसका मतलब है मैं झगड़े में हूँ, यानी मैं अभी भी अंधकार है। आपको समझा? तो आज से यीशु कैसा चला है? प्रकाश में। तो हम भी प्रकाश में चलना, हमारी चाल कैसी होनी चाहिए? प्रकाश की। तो ये कितना पॉइंट हुआ? 4 हुआ। अभी हम 5वां पॉइंट देखेंगे, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 और उसका सात। 2 कुरिन्थियन 5:7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते। अभी हमें कैसे चलना है, हमारी चाल कैसी होनी चाहिए? विश्वास। यीशु मसीह विश्वास से चला। किस विश्वास से? कि परमेश्वर पर रखे हुए विश्वास से। तो हमारी भी चाल कैसी होनी चाहिए? विश्वास की। रूप को देखकर नहीं, अंग को देखकर नहीं, किसी व्यक्ति को अमीर गरीब देखकर नहीं, परंतु हमने किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, उस विश्वास पर हम चलना है। तो हमारी चाल, हर काम विश्वास से होना चाहिए। अविश्वासी, डाउट से, संदेह से, कुड़कुड़ाकर नहीं, हर काम हमारा विश्वास से होना चाहिए। यीशु ने जो कुछ किया विश्वास से किया, तो हम भी सब कुछ करें विश्वास से करें, अविश्वासी ना हो। भाई यीशु मसीह ने थॉमस को कहा, अविश्वासी ना हो, तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया ना, है ना? तो ऐसा नहीं, हम अविश्वासी ना हो। हम कैसा? हमारा विश्वास बहुत होना चाहिए। विश्वास क्या करता है? पहाड़ों को हटाता है। विश्वास क्या करता है? परमेश्वर को प्रसन्न करता है और उठा लेने के लिए उपयोगी पड़ता है। इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि हनोक ने परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न किया,
इसलिए वो उठा लिया गया, लोप हो गया। हमारा विश्वास भी वैसा ही हो कि हमारे विश्वास से परमेश्वर खुश होना चाहिए। अभी आप बोलोगे मेरे अंदर तो विश्वास है, लेकिन हमको इब्रानियों की पत्री में बाइबल में लिखा गया है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। ऐसा विश्वास होना चाहिए कोई इंसान नहीं, परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। क्या हमारा ऐसा विश्वास है? तो विश्वास है तो हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल अध्ययन करेंगे, वचन की प्रिपरेशन करेंगे, वचन सिखाने के लिए ऑलरेडी हमारे वचन हम लिख के रखेंगे कि हाँ मुझे ये वचन अगर कभी अभी झाउचा चालू हुआ तो मैं ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी, ये सब रेडी करके रखने हैं। अचानक बोला तो कोई भी एक वचन लेने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी वो फिट हो जाते हैं। विश्वास ऐसे कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कौन से कामों से? परमेश्वर की सेवा जो हम करते हैं ना परमेश्वर के लिए। अभी रुको मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। हुनेमियस और सिकंदर, बाइबल का ये तिमथी के पत्री में आप पढ़ सकते हैं। हुनेमियस और सिकंदर ये दोनों प्रभु की सेवा क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनके अंदर वो प्रभु की सेवा नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ पैसों के लिए आए थे, नाम के लिए आए थे, मालूम है। लेकिन मरकुस जो पौलुस ने जिसको कहा कि नहीं चाहिए, लेकिन वो बाद में पौलुस के लिए उपयोगी पात्र क्यों बना? क्योंकि मरकुस को सेवा करने की इच्छा थी, इसलिए वो तैयार हो गए। आपको समझा? जिसको सेवा करने की इच्छा रहती है ना, वो अपने आप को उसी मार्ग पर बनाता है, तैयार करता है। हुनेमियस और सिकंदर ने पौलुस को भी बहुत सताया, कलीसिया को भी बहुत सताया, इसलिए वो पौलुस कहता है मैंने उन्हें शैतान के हाथ में दे दिया, मालूम है। तो विश्वास क्या करता है? परमेश्वर की सेवा करने के लिए मदद करता है। जो विश्वास करता है वो बिना प्रार्थना का रह ही नहीं सकता। जो विश्वास करता है वो बिना स्तुति आराधना का रह ही नहीं सकता। विश्वास करने वाला बिना बाइबल पढ़े हुए रह नहीं सकता। इसलिए अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसने बाइबल हाथ में लेना जरूरी है। मैं विश्वासी हूं, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है, भले वो अपनी आंखें लगाएगा लेकिन विश्वास से। क्यों? विश्वास क्या करता है? परमेश्वर के काम करने के लिए मदद करता है। मरकुस का परमेश्वर पर विश्वास था इसलिए वो सेवा कर पाया। ठीक है, यीशु के 12 शिष्यों के बारे में, यीशु के 11 शिष्य और यहूदा, इन दो सब में, इन दोनों जो टीम बनाएंगे तो यहूदा के एक ही टीम में एक अकेला वही था और ये 11, इनमें फर्क, सबसे बड़ा फर्क क्या था? ये 11 यीशु पर सचमुच विश्वास करते थे इसलिए वो सेवा कर सके, और यहूदा उसको सेवा करने का इच्छा नहीं था। वो सिर्फ यीशु के पीछे क्यों आया था? खजांची बनकर पैसा संभालना, और यीशु अगर राजा बना तो ट्रेजरर बनेगा ना, वो उसका मन में था, इसलिए वो सेवा नहीं कर पाया। विश्वास परमेश्वर के निकट लेके जाता है। लोग तो सभी, अभी देखो चर्च में आने वाले सब लोग बोलते हैं हम विश्वासी हैं। विश्वास है कैसे मालूम पड़ता है? जो व्यक्ति आत्मिक क्रिया करता है वो, दूसरा शादी के समय पर यीशु को प्रसन्न करता है वो, तीसरा मयत के समय पर परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो। विश्वास है तो मटका जुआ नहीं खेलेगा, गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास ऐसे जगह पर लेके नहीं जाएगा जहां गलत काम होता है। आपको समझा? तो विश्वास से चलो। तो ये है पांचवा। छठा, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमन्स 6, नई चाल, क्योंकि अभी हम यीशु में है ना, तो हमें मसीह की चाल चलनी है, मसीह की नई चाल। रोमन्स 6 और उसका 4, रोमन्स वहां स्पष्ट रीति से लिखा है यीशु के में कौन सा चाल चलना है, इसलिए हम चाल के बारे में देख रहे हैं ना, यीशु कैसा चला तो हमें भी वही चाल चलना है। चैप्टर 6, अभी ये बपतिस्मा के लोगों के बारे में बोला गया, अभी हम यीशु में बपतिस्मा लिया तो हम कैसा चाल चलना है। 4 वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा
के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चले। यानी पुरानी बातें हम जो करते थे यीशु में आने से पहले, यानी पुराना मशका में नई बातें नहीं भर सकते, वैसे ही हमारे जूने मनुष्यत्व में हम बदलेंगे ही नहीं, हमारा जूना स्वभाव ही रखेंगे तो उसमें यीशु का वचन जाएगा ही नहीं, आपको समझा। तो हमें नया जीवन जो यीशु ने हमें दिया है, बपतिस्मा लेने के बाद हम एक नया जन्म पाया है, ऐसा पत्रस भी कहता है, 1 पीटर 2 में पढ़ सकते हैं। नया जन्म, नए जन्मे हुए बालक के समान। तो हम नया जन्म पाए हुए नए जीवन में जीना है, वो कौन सा जीवन है? यीशु का। तो यीशु के जैसी ही चाल चलना है, तो जूनी बातें, जूना स्वभाव, जूना सब कुछ नहीं करना है। हमें कैसा करना है? जो कुछ यीशु ने जैसा जिया है, अभी हम जूना यानी जो हमारे पूर्वजों से और संसार में लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं, वैसा हम नहीं करना है, मालूम हुआ। और सबसे लास्ट पॉइंट है 7वां, जो व्यवस्था विवरण डिटरनॉमी 8 अध्याय 8 और उसका 6 उसका 6। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके ही मार्ग पर चलना, बस मुझे और उसका भय मानते रहना। सबसे लास्ट पॉइंट है, यीशु मसीह कौन से मार्ग पर चला? परमेश्वर के ही मार्ग पर चला। अपने मार्ग पर चला क्या? नहीं। उसने ऐसा कहा क्या, मैं ये सब मिटाने आया हूँ, मैं सब खत्म करने आया हूँ, ऐसा बोला क्या? उसने क्या कहा, मैं सब पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर के मार्ग पर एक मनुष्य पृथ्वी पर चल सकता है, ये वहां बताया। और लिखा कि भय मानते रहना, क्या करना है? भय मानना। हमारे अंदर अगर परमेश्वर का भय नहीं है ना, तो हम कुछ भी करेंगे, हम हमारी मर्जी से चलेंगे, हम पाप करते रहेंगे, झूठ बोलेंगे, गाली देंगे, निंदा करेंगे। परमेश्वर का भय नहीं है ना, परमेश्वर का भय नहीं होने के कारण बाइबल नहीं पढ़ते। आज लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर का भय नहीं है इसीलिए प्रार्थना नहीं करते। आज सच्ची, आज भी एक स्त्री ने मुझसे ऐसे ही कहा, मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे कितने दिन हुए मैं प्रार्थना नहीं की। तो वो अपने आप को कैसे कह सकती कि मैं यीशु की हूँ, बताइए ना, कैसे कह सकते हैं कि वो लोग यीशु में है, मैं यीशु की हूँ, कैसे कह सकते हैं? आज काम कितना भी हो, सबसे पहला तो जिंदगी में हमारी प्रभु यीशु ही है। तो भय नहीं है ना उसको, कौन सा अभी आज उसके अंदर भय कैसे आया? क्योंकि उसके अंदर कैसा भय आया, एक सपना उसने देखा कि उसका बच्चा मर गया, उसका बेटा मर गया। जब वो डर आ गया, उसने बोला, और कितने दिन से वो मेरा आवाज सुन रही है, वो भी कौन सा आवाज में गाना, मेरे आवाज में गाना मैं गा रही हूँ, वचन बता रही हूँ, मेरी प्रार्थना उसको सुनाई दे रही, मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ मेरा आवाज उसको कंटिन्यूसली, और वो बोलती क्यों मुझे दीदी का आवाज आ रहा है, क्यों मुझे दीदी गाना गा रही सुनाई दे रहा है, क्यों मुझे दीदी प्रार्थना कर रही सुनाई दे रहा है, वचन बता रही है, ऐसा समझा रही है, ऐसे क्यों सुनाई दे। इसलिए वो बोलती मुझे आपको फोन करने के लिए भी टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ, और मेरे ही मुंह पे बोलती है मुझे टाइम नहीं। बोला कोई बात नहीं, मुझे फोन नहीं किया तो भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं उतना खुश हो जाती हूँ मुझे फोन नहीं करते। लेकिन ये गलत है ना कि प्रार्थना नहीं इतने दिन से। जब स्वप्न पड़ा, जब बेटे पे आया, तब भय आ गया। क्यों? तो मैं बोला नेचुरली इतने दिन से तुम नहीं किया, तो परमेश्वर के हाथ से तुम जितना दूर जाओगी तो निकट कौन आएगा? शैतान आया, इसलिए तुम्हारे बेटे पे हमला होने वाला है, बी केयरफुल। तो बोले आज से प्रेयर करूंगी, आज से बाइबल पढ़ूंगी। बोला ऐसे अभी देखा, भय, परमेश्वर के पास हम रहेंगे, परमेश्वर अच्छा करता है, लेकिन जब संकट आने पे ही इंसान के अंदर भय आता है, परमेश्वर के लिए प्यार आता है। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, उसका भय मानो, परमेश्वर का भय मानो, उसके ही मार्ग पर चलो। अगर हम उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे तो बुराई हमको मारेगी, वो जिस पाप पर हम चलते वही हमारी ताड़ना करेगी। परमेश्वर हमारी ताड़ना नहीं करता, ताड़ना करने वाले के हाथ में देता है, मालूम हुआ। इसीलिए आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है उसी के मार्ग पर चलो। जैसे यीशु अपने किसी के मार्ग पर चला क्या? अभी सदूकी फरूसी ने उनको बोला, तुम क्यों चुंगी लेने वालों के साथ बैठते हो? वो उनका सुना क्या? यीशु किसके लिए आया था? इन्हीं के लिए तो आया था,
इसलिए वो उनके साथ ही बैठा। एक पिता ने उनको कहा था तुम्हें इन्हें चुनना है, इनको सुसमाचार देना है, वो यीशु ने दिया। आपको समझ में आ रहा है? तो हमें भी उसी के मार्ग पर चलना है और उसी के मार्ग पर चलकर उसका ही भय मानना है। किसी को मत डरो लेकिन परमेश्वर को जरूर डरो। क्यों, कैसे डरना? आज अभी मैं भी बताती हूँ, मेरे से भी झगड़े होते हैं, मैं भी कभी कभी बड़बड़ बड़बड़ बोल देती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मेरे अंदर डर आ जाता है, मैंने जो गलत किया है उसका शिक्षा मुझे जरूर मिलेगा, मैं प्रभु से माफी मांगती हूँ। इसलिए ये वचन कल तैयार करते ही मैंने निर्णय लिया, अभी बाबा नो आर्ग्यूमेंट, नो झगड़ा, कुछ भी करो शांत रहो, शांत रहो, आर्ग्यूमेंट नहीं करो। क्यों? भय तभी छूता है, बुद्धि तभी लाता है। तो भय है तो भय, नहीं तो मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे आगे कुछ बुरा नहीं चाहिए। इसलिए भय क्या करता है, आगे गलत काम करने के लिए रोकता है। भय नहीं है इसलिए गलत काम होता है, मालूम है? तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, काम कर फिर माफी मांगना, प्रभु मैंने झगड़ा किया मुझे माफ कर, वो नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु बोलता है तुझे मालूम है ना, भी नहीं करना है, तो अभी पहले प्रार्थना करो, नहीं करना। आज हमारा परमेश्वर ये सात मुद्दे परमेश्वर कहता है, अगर ये इन पद पद चिन्हों पर आप चलोगे तो आप बोल सकते हो मैं यीशु ऐसा चला है, मैं यीशु में हूँ। तो बोलने के लिए हमें अथॉरिटी रहेगी, हम बोल सकते हैं बाबा हाँ मैं यीशु के पद चिन्हों पर चलता हूँ। हालेलुया। इसमें से अगर आप एक भी पद चिन्ह नहीं चलते हो तो प्रभु से माफ़ी मांगो, प्रभु को कहो प्रभु मुझे क्षमा करो, आज से मैं आपके पीछे ही चलूँगी। आँखों को बंद करेंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मैं आपका हूँ, मैं आप पर ही चलना चाहता हूँ, मैं लोगों के सामने, मैं लोगों को क्यों, मैं खुद को बोलता हूँ मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं खुद को बोलता हूँ, मेरे घर के लोगों को बोलता हूँ मैं यीशु का हूँ, मैं मसीह का हूँ, मेरे यीशु को ये नहीं चलता, मेरा यीशु को ऐसा है, मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है। इस रीति से मैं लोगों को भी बताता हूँ, समाज को बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स को बताता हूँ, मेरे लोगों को बताता हूँ, और फिर आप जैसे चले वैसे मैं नहीं चलूँगा तो मैं आपकी गवाही खराब करता हूँ, मुझे क्षमा करो, आज से मैं जैसे आप चले वैसे ही मैं चलूँगा। हाँ प्रभु आपकी चाल कैसी थी, दुख उठा उठा कर आप चले, आप वचन में चले, आज्ञा पालन में चले, नम्रता में चले, प्रभु आप सीधी मार्ग पर जो और भय मानकर चले, प्रभु मुझे भी वैसे ही करने के लिए, और प्रकाश में चले, कभी अंधकार आप पर नहीं आया तो हम भी प्रभु कभी भी अंधकार में नहीं चले, सहायता करो, आज से प्रभु हम प्रकाश में ही चले, आपके ही राह पर चले, और जैसे आप चले वैसे ही हम चलने के लिए मदद करना, ये मेरी विनती मेरी प्रार्थना है, हमारी इच्छा है कि आपके जैसा ही चलना। इसलिए हमारी चाल को सुधारो, हमारी चाल जो टेढ़ी है, खराब है, लोगों को देखने के अनुसार चल होती है वैसे नहीं, हमारी चाल सीधी चाल हो तेरे जैसे, मसीह की चाल बना दे, ये मेरी प्रार्थना है। सबको आशीषित करना, सबके मनोरथों को पूरा करना, सबको आशीषित करना, सबके घर में शांति देना, सबके मनोरथों को पूरा करना और सबके कौटुंबिक जीवन में शांति देना। धन्यवाद देते पिता, आज ये उपवास प्रार्थना में सबके पापों के लिए माफी मांगती हूँ। सबकी चाल टेढ़ी थी, सब टेढ़े चल रहे थे, सीधे नहीं चल रहे थे, कुछ लोग पीछे चले और कुछ लोग दाहिने बाई मुड़े, लेकिन आज से प्रभु प्रार्थना करती हूँ सब तेरी राह पर लाकर मसीह की चाल चलाना, हमारे से मसीही दिखने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे।